बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल की पहली वीडियो में आप सबको वेलकम। इस चैनल में आपको घर बैठे ड्रेस मेकिंग का कोर्स सिखाया जाएगा, जीरो लेवल से सिखाया जाएगा, बाकायदा क्लासेस होंगी। तो आज हमारी सिलाई कोर्स की पहली क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगी सीविंग किट्स के बारे में, यानी ऐसी बेसिक चीज़ें, ऐसे बेसिक टूल्स के बारे में जो हमारे लिए कटिंग में, सीविंग में बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे टूल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आपका काम आसान हो जाएगा और जल्दी भी होगा और नीटनेस के साथ भी होगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जानते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एवरीवन, मैं हूँ सिद्रा खान, बेसिक सीविंग गाइड की इंस्ट्रक्टर। तो हम चलते हैं कि हमें फर्स्ट क्या चीज़ रिक्वायर है। तो सबसे पहले हमें सिलाई के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कपड़ा, यानी फैब्रिक। अगर आप बिगनर हैं और नया नया सीख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉटन का कपड़ा यूज़ करें, यानी सूती कपड़ा, क्योंकि कॉटन के कपड़े पर एक तो सिलाई करना बहुत आसान होता है और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो बिगनर के लिए कॉटन का कपड़ा ही बेस्ट रहता है। तो आप दूसरा कपड़ा कोई भी यूज़ ना करें, शिफॉन, मलमल। तो अगर आप नया नया सीख रहे हैं तो कॉटन के कपड़े का ही इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है मेजरिंग टेप। कोई भी ड्रेस सिलाई करने के लिए इसका साइज़ का होना बहुत ज़रूरी है और परफेक्ट साइज लेने के लिए हमें इस इंचेस टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इंचेस टेप को इस्तेमाल करने के लिए इसका समझना भी बहुत ज़रूरी है। सो इसको डिटेल से मैंने सेकंड लेसन में मैं आपको समझाऊंगी। अगर यहाँ पे समझाऊँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि इंचेस टेप, ये जो येलो है ये थोड़ा हाई क्वालिटीज़ का है, ठीक है, और जो वाइट वाला है वो थोड़ा सा लो क्वालिटीज़ का है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप येलो वाला इंचेस टेप यूज़ करें। जो वाइट वाला है ये स्टार्टिंग में तो ठीक रहता है लेकिन जैसे जैसे आप यूज़ करते हो इसमें लूज़पन आ जाता है। सो आप ये वाइट वाला ना लीजिएगा, ये येलो वाला लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो है टेलरिंग चौक। टेलरिंग चौक हमें कपड़े पे कोई भी निशान लगाना हो, मार्किंग करनी हो तो उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो अब तो मार्केट में भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के चॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये जो येलो वाला है ये नॉन डस्ट चॉक है और सेकेंड वाला है रेगुलर चॉक है, ठीक है। ऐसा होता है कि जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो जाहिर है हमें उसको नीट एंड क्लीन कपड़े देने होते हैं, ड्रेस देना होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके बता देती हूँ। ये जो येलो वाला चॉक है इसको अभी हम मार्क करेंगे। तो इसका जो ये मार्किंग है ये आप मतलब रिमूव करेंगे तो फौरन से रिमूव नहीं होगा, ये वॉश करने से ही रिमूव होगा। तो इसके बरअक्स अगर मैं रेगुलर चॉक यूज़ करती हूँ तो उसके जो मार्किंग है वो इजीली रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये रेगुलर चॉक यूज़ करें क्योंकि रेगुलर जो चॉक है वो प्राइस में भी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, दूसरे की नस्बत ये येलो वाला चॉक की प्राइस भी ज़्यादा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने इतनी लेंथ ही हमने मार्किंग रखनी है, सो रेगुलर चॉक है वो बेस्ट रहता है। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो है थ्रेड, यानी कि धागा। हम डिफरेंट ड्रेसेस सिलाई करेंगे तो डिफरेंट ड्रेसेस डिफरेंट कलर के होते हैं तो उसके साथ हमें मैचिंग धागा का होना बहुत ज़रूरी है और अच्छी क्वालिटीज़ का थ्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के थ्रेड आ रहे हैं सो आपने अच्छी क्वालिटीज़ का थ्रेड यूज़ करना है और मैचिंग थ्रेड का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो है सीज़र, यानी कि कैंची। तो कपड़ा काटने वाली जो सीज़र होती है उसकी जो धात है वो तेज़ होनी चाहिए, अच्छी वाली होनी चाहिए, ठीक है। और सीज़र भी डिफरेंट टाइप्स की हैं, आप ये वाली सीज़र भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़ा काटने वाली जो सीज़र है इससे आप न्यूज़पेपर या इस तरह वो कटिंग कर सकते हैं लेकिन इससे भारी चीज़ें काटने से गुरेज करें और खाली हवा में भी कैंची ना चलाएँ, इससे भी इसकी धार जो है वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है न्यूज़पेपर, जिसको मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ, टेलरिंग में बहुत अहम रोल अदा करता है, ठीक है, पैटर्न मेकिंग में और नेक डिज़ाइन बनाने में,
की बहुत नीड होगी हमें टेलरिंग में। मानो अगर आप कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे हो तो अगर आप वो न्यूज़पेपर पे ड्रॉ कर लेते हो, जो भी आपकी मिस्टेक है वो न्यूज़पेपर पे निकल जाती है, देन उसके बाद आप ड्रेस पे उसको अप्लाई कर सकते हो। सो न्यूज़पेपर जो है वो आपके काम को आसान कर देता है। ऐसे बहुत सारे नेक्स्ट डिज़ाइन आएंगे जो मैं आपको सिखाऊंगी, तो न्यूज़पेपर से वो इजीली जो है, जिसको स्टिचिंग नहीं भी आती, बिगनर भी इजीली बना सकते हैं। सो न्यूज़पेपर जो है वो मस्ट है। और इसके बरक्स कुछ चार्ट यूज़ करते हैं तो चार्ट बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। चार्ट का यूज़ आप उस टाइम कर सकते हैं जब कोई बैंड कटिंग है या कोई ऐसा पैटर्न है जिसको आप बार बार यूज़ करते हो, तो वो यहाँ इस पर ड्रॉ कर लिया और रख लिया। सो चार्ट मैं आपको न्यूज़पेपर सजेस्ट करूँगी, ठीक है? तो न्यूज़पेपर जो है वो मस्ट है। नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सीविंग मशीन। अगर आप नया नया सीख रहे हैं तो आप हैंड वाली मशीन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आप सीख जाते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें रिक्वायर है वो है आयरन और स्प्रे बॉटल। कोई भी एक अच्छा सा ड्रेस नीट एंड क्लीन प्रोजेक्ट रेडी करने के लिए हमें इन दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सो स्पेशली बिगनर के लिए तो आयरन और एक स्प्रे बॉटल मस्ट है। नेक्स्ट जो हमें जो रिक्वायर है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, पिंस, जिसे कॉमन पिन भी बोला जाता है, सेफ्टी पिन भी कहा जाता है, ये हमारे काम को बहुत आसान कर देते हैं। मानो अगर हम कोई ड्रेस सिलाई कर रहे हैं, डबल ड्रेस है, लाइनिंग वाला ड्रेस है, तो उसको बहुत इजी कर देता है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। सो ड्रेस मेकिंग में पिन कुशन का बहुत अहम रोल है, तो ये भी मस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो है ट्रेसिंग व्हील। जैसे कि आपको नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या वर्क करता है, ट्रेसिंग का वर्क करता है। सो इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे पकड़ना है, ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मैं थोड़ा सा आपको डेमो करके बता देती हूँ कि ये क्या वर्क करता है। मानो अगर आप किसी दूसरे कपड़े पे लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, एग्जिट जैसे कि वो है, ठीक है, तो आप वीडियो में देख रहे होंगे। सो उसमें ये ट्रेसिंग व्हील बहुत यूज़फुल है। मानो अगर कोई चार्ट में आपने कोई पैटर्न मेकिंग की है और वो अगर आप अपने फैब्रिक पर ड्रॉ करना चाहते हो, तो उसमें भी ये ट्रेसिंग व्हील बहुत आपको काम को आसान कर देता है और आपके टाइम को बचाता है। सो ट्रेसिंग व्हील जो है स्टिचिंग में, टेलरिंग में इसका भी बहुत यूज़ है, तो ये भी मस्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आता है वो है नीडल थ्रेडर। देखने में तो ये दोनों टूल्स बहुत छोटे हैं लेकिन वर्क बहुत बड़ा करते हैं। होता क्या है कि हमें बार दफ़ा ड्रेस बहुत जल्दी चाहिए होता है, लेकिन उसी टाइम सभी काम ख़राब होते हैं, नीडल में धागा जा ही नहीं रहा होता, बहुत दिक्कत होती है और हमें इरीटेशन होने लगती है कि ये क्या है भाई, धागा क्यों नहीं जा रहा। हम किसी और को कह देते कि ये धागा डालो, ये तो हमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये छोटा सा जो टूल्स है ये आपके टाइम को बचाएगा, ठीक है? जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है तो आप देख रहे होंगे कि आप बहुत इजीली इसमें नीडल्स में धागा जो है वो फौरी से हो जाता है, ठीक है? इसी तरह दूसरा टूल्स है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट सा वर्क है। आसानी से इसे धागा जो है वो आप डाल सकते हैं, आपका वक्त बचाएगा और आपको जो इरिटेशन होती है क्यों नहीं जा रहा, तो इजीली ये वर्क करेगा। तो ये टूल्स भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आता है वो है सीम रिपर। अगर आप सिलाई करते हो तो आपको पता होगा कि जितना आप सिलाई करते हो तो उतना आपको उधेड़ना भी पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, बेसिकली जब हम छोटे टांगे की सिलाई लगा लेते हैं तो इसको उधेड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। दूसरी बात कि वो सफाई से नहीं हो पाता और बहुत टाइम ले लेता है और आप इरिटेट हो जाते हो कि भाई अब मुझे ये उधेड़ना पड़ेगा। तो इस चीज़ के साथ आप इजीली कर सकते हो सीम रेपर के साथ, ठीक है? तो मैंने देखा है अक्सर कि जब लोग घर में स्टिचिंग करते हैं तो वो जो नीडल्स होती है हेमिंग वाली नीडल, उसी के साथ उधेड़ना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो नीडल डैमेज हो जाती है और या तो टेढ़ी हो जाती है। तो इस चीज़ के साथ, इस टूल्स के साथ आप सिंपली रेस कर सकते हो, उधेड़ सकते हो, आप जितना भी फोर्स लगा लो तो ये डैमेज नहीं होता और आपके टाइम को बचाता है।
नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक नोटबुक एंड पेन। ये आपके पास लास्ट भी होना चाहिए जिसमें आप अपने सभी ड्रेसेस को नोट्स साइज को नोट्स कर सकें। मैं जो अभी जो भी आपको अहम पॉइंट बताऊंगी वो नोट डाउन कर सकें, जैसे कि मेरा नेक्स्ट वाला जो लेसन है वो मेजरिंग टेप के बारे में, और मैं आपको बहुत डिटेल्स से बताऊंगी, सो वो सभी पॉइंट्स जो हैं वो नोट करने वाले हैं। ऐसे में क्या होता है, माइंड से स्किप हो जाता है, तो आपने डायरी को निकाला और नोट किया और फौरन से अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जो नोटबुक है वो लाजमी होनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।